हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड, ये जो हो लिखा हुआ है ऐसा है। अब इस पर AlCl3 है और H3O+ किया हुआ है, तो क्या होता है? देखिए इस तरह से जब ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ हो और इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ और ये, तो AlCl3 हम जानते हैं कि एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन, मतलब अगले सिचुएशन में क्या होने वाला है, अगले सिचुएशन में ये हो जाएगा यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाएगा, AlCl3 हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, अब यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है कैटायनिक रूप में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, जितना स्टेबल ये न्यूट्रल पोजीशन में है उतना ये कैटायनिक पोजीशन में स्टेबल नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली ये बनाएगा कुछ इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये इधर से बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ और फिर उसके बाद AlCl3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रकार से एसाइलियम कैटायन बन गया, ठीक है। अच्छा अब इसके सामने देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इसके सामने एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है अपने आप में, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन इसके साथ करेगा, है ना, तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और चूंकि इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो कहीं भी हम लोग जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ दिए। और दूसरी तरफ क्या होगा कि इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ है और ये देखिए ओ और इधर से AlCl3 भी है, ठीक। अच्छा अब जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है H3O+, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस जैसे ही होगा ना, तो यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को खींचेगा और फिर ये बॉन्ड को तोड़ देगा, तो कुल मिलाकर अपने को मिलेगा, ये अपने को मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ और इधर से इसको मैं कुछ देर के लिए PH बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ OH। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ तक काम खत्म हो गया, अगले स्टेप में देखिए क्या दिया हुआ है, मतलब ये अपना बन गया प्रोडक्ट नंबर ए। अब ZnHg और HCl दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो ये क्लीमेंसन क्या करता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसको ये CH2 में बदलता है, सी डबल बॉन्ड ओ को किस में बदलता है, CH2 में, तो क्या बना देगा ये बनाएगा, मैं अब कुछ मिटा देता हूँ, मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए कुल मिलाकर ये बनाएगा ऐसा, यहां से ये बन जाएगा CH2 और फिर इधर से बना PH, चलिए बहुत बढ़िया। अब इधर से देखिए COH है, अब इस पर क्या है, इसका काम तो हो गया, ये CH2 बदल गया, अब अगले वाले में क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट नंबर बी बन गया। अब उसके बाद देखिए तीसरे में क्या है, SOCl2 है, तो SOCl2 क्या करता है, इस OH को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन लगाएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ क्लोरीन लग गया, फिर क्लोरीन जब लग गया तो फिर ये देखिए अगली बार क्या दिया हुआ है, AlCl3, तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से इस क्लोरीन को भी हटा देगा, मैंने यहाँ का जो लोन पेयर है ये AlCl3 को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, डोनेट करके और फिर ये बॉन्ड टूटेगा और फिर यहाँ पर जो है फिर वैसे ही CH2, और मैं इधर से अब वो रिंग दोबारा बना देता हूँ जिसको मैं PH लिख रहा था, ठीक है, ऐसे करके, और ये यहाँ पर जो है ना इस तरह से एसाइलियम कैटायन बना दिया। अच्छा
अब ये कैटायन बन गया, तो फिर इस रिंग के लिए देखिए क्या हो गया, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और यहाँ पर इस पोजीशन पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जिस पोजीशन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है देखिए कैसा ग्रुप है, एक प्रकार से अल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या करता है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजिशन पर जो है ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए ऑर्थो पोजिशन यही तो है, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। पैरा पर भी लग सकता था लेकिन ऑर्थो पर इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑर्थो पर लगने से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर रिंग बनेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर रिंग का निर्माण होता है कंजुगेटेड पोजीशन पर, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन होता है, इसलिए यहीं पर अटैक होगा। और फाइनली जो है हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो मैं लिख रहा हूं CH2, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक। और यहां से C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा इधर से 1 2 3 4 5 6, यही हो गया फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा